क्या आपको पता है कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी है, यानी कि जो रिमांड बोलते हैं, पुलिस रिमांड और जुडिशियल रिमांड वो अलग अलग होती है। पुलिस रिमांड के अंदर क्या होता है, जो आरोपी पर्सन होता है, अपराधी होता है, उसको थाने के अंदर रखा जाता है, पुलिस स्टेशन में होता है, उसके अंदर जो जेल बनी होती है उसके अंदर रखा जाता है, और वहां पर पुलिस ऑफिसर है उससे जांच करती है, इंटेरोगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, कहीं कहीं मारपीट भी करती है, जो कि अलाउड नहीं है। जुडिशियल कस्टडी के अंदर होता है कि जो आरोपी पर्सन होता है, एक्यूज पर्सन होता है, उसे जेल में भेजा जाता है, जो जेल बनी होती है, जैसे दिल्ली के अंदर तिहाड़, रोहिणी, मंडावली जेल बनी हुई है, यहां पर रखा जाता है। और जब जुडिशियल कस्टडी दी जाती है तो वो किसी कितने भी टाइम की हो सकती है, वो 10 दिन की भी हो सकती है, लाइफ टाइम की भी हो सकती है, अगर अपराध ऐसा है जिसमें उम्र कैद मिलनी है। अगर पुलिस कस्टडी दी जाती है तो मैक्सिमम 15 दिन की पुलिस कस्टडी दी जाती है, जिसे पुलिस रिमांड भी बोलते हैं। इन दोनों में यही अंतर होता है कि पुलिस कस्टडी हमेशा एक FIR के लिए 15 दिन की ही दी जाएगी, उसके बाद नहीं दी जाएगी। एक FIR में 15 दिन की ही पुलिस कस्टडी मिलेगी। जुडिशियल कस्टडी है उम्र कैद तक की हो सकती है, अगर ऐसा अपराध है जिसमें उम्र कैद की सजा मिलनी है। इसी तरह की इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।